स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड थर्ड, आई एम योर इंग्लिश टीचर खुशीदा दीच एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद S3 सपोर्टिंग ओपिनियंस विद फैक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. विच फैक्ट बेस्ट सपोर्ट दिस ओपिनियन. इस ओपिनियन को कौन सा फैक्ट सपोर्ट करता है. विच फैक्ट बेस्ट सपोर्ट दिस ओपिनियन. कौन सा फैक्ट जो है बेस्ट सपोर्ट करता है इस ओपिनियन को कि स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज है. स्विमिंग स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेंचुरी. स्विमिंग स्टार्ट हुई थी इन द फर्स्ट सेंचुरी. ये करेक्ट है. स्विमिंग मेक्स द हार्ट एंड लंग स्ट्रांग. स्विमिंग ईट पीनट. स्विमर्स ईट पीनट फॉर एनर्जी. तो यहाँ पे करेक्ट क्या है. स्विमर्स से हमारा हार्ट और लंग स्ट्रांग होता है. तो दिस इज द करेक्ट सपोर्ट वी कैन से करेक्ट फैक्ट वी कैन राइट अबाउट. ओके. ग्रीन वेजिटेबल्स हैव मैनी विटामिन्स एंड मिनरल्स. ग्रीन वेजिटेबल्स के बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. सो विच ओपिनियन फिट्स दिस फैक्ट. वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल एवरी डे. ग्रीन वेजिटेबल्स आर नॉट टेस्टी. टेस्टी नहीं होते. वी शुड नॉट ईट वेजिटेबल्स रेगुलरली. रेगुलरली नहीं खानी चाहिए. तो मेन ओपिनियन हमारा क्या होना चाहिए. वी शुड ईट. हमें खाना चाहिए ग्रीन वेजिटेबल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट दिया हुआ है जिसमें ओपिनियन आपको लिखना है. फैक्ट दिया हुआ है मिल्क मेक्स योर बोन स्ट्रांग. यस, मिल्क मेक स्ट्रांग करते हैं बोन्स को. तो इसके लिए हम ओपिनियन लिखेंगे वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली. ओके, दिस इज द ओपिनियन. फैक्ट लिखना है आपको नेक्स्ट. राइट टू फैक्ट्स. नेक्स्ट दिया हुआ है राइट टू फैक्ट्स टू सपोर्ट द ओपिनियन. ओपिनियन दिया हुआ है फैक्ट लिखने वो. यू हैव टू राइट द फैक्ट्स. पीकॉक आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स. ये ओपिनियन है कि हाँ ऐसा हो सकता है. कोई कहने के लिए बोल सकते हैं पीकॉक आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स. बट फैक्ट लिखना है लाइक पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड. ये सच्चाई है ना. दिस इज अ फैक्ट. सेकेंड आई कैन लाइक राइट लाइक पीकॉक feathers are called a train. Peacock के feather को train भी बोलते हैं. पता है आपको ये. So this is a fact. These two both are things are fact. Now turn over the page. Now you turn over the page. Kapil dash tell the truth. Kapil यहाँ पर do or does का use करना है. If you use do or does. किसके लिए. ही शी इट सिंगुलर के लिए यू यूज डज. आई वी दे यू प्लूरल के लिए यू यूज डू. ठीक है. सो हाउ विल यू राइट डू और डज. यू हैव टू यूज कपिल. कपिल इज सिंगुलर सो यू विल राइट डज. ओके. डज नॉट. नॉट तो नेगेशन के लिए. ओके. यू. यू कम्स इन दिस प्लूरल. डू. यू विल राइट डू. डू नॉट. ओके. शी. शी. ही शी इट सिंगुलर. शी यहाँ पे आ रहा है डज. She does not have a lovely voice. My friend and I dash know the name of that song. अब दो हो गए my friend and I. plural हो गए. तो plural means do. Plural मतलब बहुत सारे. Singular मतलब only one. तो this is the negative sentence you have to write. You have made this negative. Next question is like change the sentence to negative sentence. Positive sentence is negative. I के साथ डू लगता है यार. डज. I के साथ डू. सो I डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज. ओके. सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट अगेन. शरद इज सिंगुलर वन. तो शरद डज नॉट प्ले. प्लेज नहीं आएगा यहाँ पे. प्ले आएगा बिकॉज डज में एस ऑलरेडी लग गया. सो प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे. इन दिस वे यू विल राइट द सेकेंड आंसर. ओके. नेक्स्ट राइट थ्री सेंटेंस अबाउट द थिंग्स यू दैट यू डू नॉट लाइक. आपको जो नहीं अच्छी लगती दैट थ्री थिंग्स यू कैन राइट. जैसे मैंने लिखा है आई डू नॉट लाइक टू प्ले वॉलीबॉल. मुझे वॉलीबॉल खेलना नहीं पसंद. आई डू नॉट लाइक टू गो आउट एट नाइट. मुझे नाइट में बाहर जाना नहीं अच्छा लगता.
आई डू नॉट लाइक टू प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से खेलना अच्छा नहीं लगता. सो इन दिस वे यू कैन राइट द थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ वन इज लाइक चेंज द सेंटेंस इन टू नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो वो दो सेंटेंस दिए हुए हैं. ही ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली. सो ही ड्रिंक्स, ही के साथ डज यू यूज, ही शीट सिंगुलर डज यू यूज. सो ही डज नॉट ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग एंड ही ऑलवेज वेक अप अर्ली. ही डज नॉट वेक अप अर्ली. इन दिस वे यू हैव टू यूज डज. How will you use do or does? You have to keep in mind he, she, it, singular you have to use does, I, we, they, you, plural you have to use do. Okay, in this way you can do it. So do the S3 and S4 worksheet properly. Thank you.